हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एपी का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें देखिए बोलता है कि क्यूएथ और पीएथ टर्म जो है, पीएथ टर्म जो है, क्यूएथ और आरएथ टर्म जो है एबी, एक एपी की वो है एबीसी। तो पीएथ होगी ए, क्यूएथ बी और ये आरएथ टर्म होगी हमारी सी। तो हमें ये शो करना है। अब देखिए, कोई भी एपी होगी उसमें फर्स्ट टर्म होगी तो हमने मान लिया कैपिटल ए। ध्यान देना यहां पे ये स्मॉल ए बी सी है, हमने कैपिटल ए माना है फर्स्ट टर्म को। कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लिया। तो एनथ टर्म का फॉर्मूला जो है एपी में वह ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे लिए एनथ टर्म होगी क्योंकि लास्ट की टर्म है ये, क्योंकि ये टर्म जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो पी एथ टर्म इज इक्वल टू ए। तो अगर हमें इसको एनथ टर्म में रखना है तो हो जाएगा भाई ए प्लस, तो ए क्या होगी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने मानी है कैपिटल ए प्लस एन। तो एन की जगह क्या आएगा, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, तो वो हमारे लिए पी एथ बोल रखा है तो सिर्फ पी आएगा। टी एस तो पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो खाली सिर्फ पी आएगा माइनस वन इंटू डी। तो डी हमने कितना ले रखा है इसमें, कैपिटल डी, तो ये हमारा ए हो गया। सिमिलरली जो हमारा बी और सी होगा तो वो भी हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। देखिए क्यू एथ किसके बराबर है, बी के बराबर, और बी हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी क्योंकि ये क्यू एथ टर्म था, और ये आर एथ टर्म जो है वो है सी के बराबर, और सी हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा एपी में। अब आते हैं देखिए इस फॉर्मूले में, ये जो हमें दे रखा है यहां पे, तो ये है ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ए किसके बराबर है, इस वाली टर्म के बराबर। तो यहां पे ए की जगह हम क्या रख देंगे, ए कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए की जगह है, बाकी ये ऐसे ही रहेगा पी माइनस आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, बाकी ये टर्म ऐसी रहेगी, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ए से तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये वाला हिस्सा। वैसे ही बी की जगह रख देंगे हम ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू कैपिटल डी, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था आर माइनस पी से, और यहां पे भी आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये बराबर जगह पी माइनस से नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू के इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो यहां पे आ गया क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया था इसलिए। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्रो ये मल्टीप्लाई होगा, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ए से जब क्यू माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्यू ए इंटू क्यू माइनस आर। अभी मैं इसको ब्रैकेट को खोल नहीं रहा हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिंपल तरीके से फिलहाल ऐसे समझ लेते हैं। प्लस 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 मल्टीप्लाई के प्लस ही आएगा। अब ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे रफ में थोड़ा सा बता देता हूं, पी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू माइनस आर को, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पी क्यू फिर पी से ये माइनस आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा पी आर और यहां पे माइनस का साइन, फिर प्लस माइनस माइनस, वन से क्यू को करेंगे तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस और आर। तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये वाला पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, और ये डी जो है बाहर का इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, प्लस फिर से
इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो a मल्टीप्लाई बाय r माइनस p प्लस, अब इससे जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी मल्टीप्लाई बाय डी। और अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम पी क्यू को ए से तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय पी माइनस क्यू, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट के बाहर डी इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए यहां पे ये जो ए वाली टर्म है ये और ये इसको मैं अलग कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा देखिए ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस ये वाले को भी यहां पे लिख दिया ए ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस ए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं यहां पे ए ब्रैकेट पी माइनस क्यू। तो ये सारी ए वाली टर्म मैंने अलग लिख दी और इन टर्म्स को मैं अंदर लिख दूंगा ब्रैकेट के, तो क्या ये पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर इस वाला, और अब इसको लिखूंगा तो प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये पी क्यू प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ये पी आर माइनस का प्लस का ये भी माइनस क्यू से प्लस क्यू कट गया, इस आर से ये और ये प्लस आर क्यू से ये कट जाएगा और इससे ये, तो ये कितनी टर्म आ गई पूरी जीरो, और ये ब्रैकेट के बाहर डी था मल्टीप्लाई में तो इसको यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे बचा देखिए तो यहां पे ए कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, और प्लस यहां पे d के अंदर क्या बचा ये पूरा जीरो, तो d जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर जीरो ही। और यहां पे भी देखना ये q से प्लस से माइनस वाला कट जाएगा इससे ये और इससे ये, तो ये भी जीरो आ गया, तो a मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस d मल्टीप्लाई बाय जीरो तो क्या जाएगा जीरो प्लस जीरो जो कि हो जाएगा पूरा ही जीरो, तो इसलिए ये जीरो के बराबर होगा यहां पे। तो जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि प्रूव कीजिए ये पूरा जो है जीरो के बराबर है तो हमने कर दिया। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, एक दो बार वीडियो को देखना आराम से, थोड़ा सा लंबा जरूर है ये क्वेश्चन लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।